हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई रिक्रूटमेंट बोर्ड 2022 मतलब 2023 और 24 के बारे में। एसबीआई रिक्रूटमेंट 2023 और 24 में अभी अपकमिंग वैकेंसी आया है, तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आया है अभी बहाली, तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो में, देखते हैं क्या है ये, इसके पूरा प्रोसेस के बारे में जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब देखेंगे। तो दिया हुआ है इसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज्ड द एसबीआई बिजनेस क्रोस्पॉन्डेंट फैसिलिटेटर रिक्रूटमेंट 2023। तो ये जो है वैकेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने का ऑफिशियल वेबसाइट में जारी किया गया है। बिजनेस क्रोस्पॉन्डेंट फैसिलिटेटर के लिए 2023 नोटिफिकेशन 10/3/2023 यानी कि 10 मार्च को ये रिलीज कर दिया गया है एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद फिर इसमें आगे देता है, नोटिफिकेशन इज आउट फॉर 868 यानी 868 पोस्ट है इसमें। और बिजनेस क्रोस्पॉन्डेंट फैसिलिटेटर वैकेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ एसबीआई इट वाइल द एसोसिएट्स ईएफ्स एंड द अदर पीएस मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर द बिजनेस क्रोस्पॉन्डेंट फैसिलिटेटर पोस्ट वन ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन गो थ्रू एसबीआई रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 10/3/2023 और बिफोर 31 मार्च 2023। द ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी कॉम्प्लीटेड बिफोर द डेड लाइन यानी यही था पूरा। तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है रिलीज द एस बी आई बिजनेस क्रोस्पॉन्डेंट फैसिलिटेटर रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन 10/3/2023 नोटिफिकेशन इज आउट फॉर 860 यानी 868 बिजनेस क्रोस्पॉन्डेंट फैसिलिटेटर वैकेंसीज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द इंडियन सिटीजन फॉर द engagement of retired officers of SBI while the associates EFs and the other public private sector banks for the business correspondent facilitator post one a contractual basis so interested candidate can go through SBI recruitment eligibility criteria and apply online from the 10/3/2023 और बिफोर 31 मार्च 2023। द ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी कम्प्लीट द बिफोर द डेड लाइन। तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि ये जो भी वैकेंसी है ये बैंक से रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए है। जो भी मतलब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, एज का जो क्राइटेरिया है वो मतलब 55 के बाद का ही है यानी 55 साल से के बाद का ही है। तो इसमें रिटायर्ड ऑफिसर के लिए वैकेंसी है ये बेसिकली। तो यही आया था अभी नोटिफिकेशन, तो सोचा आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के न्यू अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।